धर्मनगरी चित्रकूट में दीपावली पर्व का एक अलग महत्व है। दीपावली पर्व के समय चित्रकूट के मंदाकिनी तट में लगने वाले 5 दिन के उत्सव में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय श्री राम ने ऋषि मुनियों के साथ मंदाकिनी नदी में दीपदान किया था। ऐसे में मंदाकिनी में दीपदान करने का उनका सानिध्य मिलता है। दीपावली के दिन दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है चित्रकूट में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम चित्रकूट से ही रावण वध के लिए, रावण के संहार के लिए, राक्षस सेना के संहार के लिए लंका गए थे और उन्होंने सारी रावण की सेना को रावण सहित पराजित कर दिया। जो त्रैलोक्य के का आतंक था तीनों लोगों का, सारे देवता प्रताड़ित थे, उनका वो जो प्रताड़ना थी उसको समाप्त करने के पश्चात प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे। तात्कालिक समय पर वो चित्रकूट आए, तुरंत विमान कहाँ चलिया हुआ, और ऋषि मुनियों ने ये सुना कि प्रभु श्री राम वापस लौट रहे हैं, उनके स्वागत के उत्सव के लिए दीप प्रज्वलित करके माँ मंदाकिनी में और उनके स्वागत के लिए आतुर हो गए, और भगवान राम का विमान चित्रकूट में भी कुछ समय के लिए रुका, क्योंकि माता सीता जी ने वरदान मांगा था माँ मंदाकिनी से कि हे माते, हम सपरिवार अपने वनवास काल को व्यतीत करके वापस आए, सकुशल वापस आए। और इस प्रकार से माता जानकी जी ने भी माँ मंदाकिनी का पूजन अर्चन वंदन किया, क्योंकि उनकी मनोकामना की पूर्ति हुई। और इसके पश्चात जो है सारे ऋषि मुनियों ने भी भगवान का स्वागत किया, और तत्पश्चात ही जो है भगवान राम अयोध्या। तो इस कारण से चित्रकूट में दीपोत्सव का बहुत बड़ा महात्म्य है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जनता जनार्दन बढ़ाती है, और ये मानते हुए कि जब प्रभु श्री राम माता जानकी जी की इच्छा की संपूर्ति यहाँ पर हुई, तो निश्चित रूप से हमारी भी जो मनोकामनाएँ हैं उनकी भी संपूर्ति यहाँ पर होगी। इसी कारण से जो है बहुत बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन चित्रकूट आते हैं, माँ मंदाकिनी में स्नान करके उन्हें दीप दान करते हैं।